स्पीच ऑफ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका मेजबान मित्र प्रसन्न कुमार पिंचा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, सकुशल हैं और प्रसन्न हैं। आज मैंने एक बहुत ही रोचक विषय चुना है और रोचक होने के साथ साथ, सुरुचिपूर्ण होने के साथ साथ बहुत उपयोगी भी है। आज का विषय है अवसंरचनात्मक रोध यानी स्ट्रक्चरल बैरियर्स विकलांगता के संदर्भ में। अब यहाँ मैं आपको एक बात याद दिलाऊँ, आपको स्मरण होगा कि आज से हो सकता है शायद 2-3 महीने पहले मैंने विकलांगता के संदर्भ में रोधों का जिक्र किया था राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के हवाले से, यानी विकलांगजन अधिकार अधिनियम, जिसका ऑफिशियल अनुवाद है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उसके हवाले से मैंने एक आम चर्चा, छोटी सी चर्चा रोधों पर की थी। अब आपका एक स्वाभाविक सवाल हो सकता है कि चूंकि आपने रोधों पर या बाधाओं पर या बैरियर्स पर एक चर्चा की हुई है, तो आज एक विनिर्दिष्ट बाधा पर, जो अवसंरचनात्मक बाधा है, जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स है, उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों आई और क्यों महसूस हुई, इसका कारण है जो आपको बताऊंगा। और इससे पहले कि हम चर्चा के मूल हिस्से में जाएं, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अवसंरचनात्मक रोधों के बारे में मैं अपनी समझ और अपनी व्याख्या, मेरी निजी समझ और निजी व्याख्या आपको बताऊंगा। और मैं मानता हूं कि ये जो मेरी व्याख्या है, ये जो मेरी समझ है, वो सही है, न्यायोचित है और विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। अब आपको मैं पहले थोड़ा सा स्मरण दिला देता हूं कि आपको मैंने जब रोधों पर या बैरियर्स पर या बाधाओं पर जब चर्चा की थी, तो उस संदर्भ में मैंने 9 कारक ऐसे बताए थे जो जिससे ऐसी कुछ बाधाएं पैदा होती हैं, यानी ये 9 कारक ऐसी कुछ बाधाओं का उद्गम है जो बाधाएं विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समाज में बराबरी की और प्रभावी भागीदारी और पूर्ण भागीदारी निभाने में रोकते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने जो 9 प्रकार की बाधाओं का जिक्र किया था, वो बाधाएं हैं कम्युनिकेशनल बैरियर्स यानी संसूचनात्मक बाधाएं, सोशल बैरियर्स यानी सामाजिक बाधाएं, इकोनॉमिक बैरियर्स यानी आर्थिक बाधाएं, कल्चरल बैरियर्स यानी सांस्कृतिक बाधाएं, पॉलिटिकल बैरियर्स यानी राजनीतिक बाधाएं, एटीट्यूडिनल बैरियर्स यानी भाव संबंधी या दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं, आपके इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स यानी संस्थागत बाधाएं, एनवायरमेंटल बैरियर यानी पर्यावरणात्मक बाधाएं और स्ट्रक्चरल बैरियर्स यानी अवसंरचनात्मक बाधाएं। अब मैं आपको जो ये 9 प्रकार की बाधाएं हैं, 9 प्रकार के कारक हैं, 9 प्रकार के फैक्टर्स हैं जो ये बाधाएं, जहां से ये बाधाएं निकलती हैं, और इन 9 प्रकार के कारकों के अतिरिक्त और कारक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ये इस कानून में इसकी परिभाषा दी गई है वो इंक्लूसिव है और वो कहते हैं कि रोध से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है जिसमें फिर ये 9 प्रकार की बाधाओं का जिसमें के बाद उल्लेख है, ये कारक सम्मिलित हैं जो समाज में, यानी इंक्लूडेड हैं, यानी इन 9 कारकों के अतिरिक्त भी और कोई कारक भी हो सकते हैं, और ऐसा कोई भी कारक हो सकता है जो विकलांग व्यक्तियों के समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकता है, लेकिन मुख्यतः ये 9 प्रकार के हैं।
तो इनका इनकी एक आम चर्चा की थी। अब संरचना अवसंरचनात्मक बाधाओं का हमको इसलिए जिक्र करना है क्योंकि अवसंरचनात्मक बाधाओं को कई हलकों में लोग उस अवसंरचनात्मक बाधाओं की कई हलकों में लोग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं जो मेरे हिसाब में बहुत उपयुक्त नहीं है और उसका कारण भी बताऊंगा। हालांकि वो जो व्याख्या वो लोग करते हैं उन हलकों में उनका दोष नहीं है क्योंकि अवसंरचनात्मक शब्द से या स्ट्रक्चरल शब्द में जो स्ट्रक्चर से बना है तो लोग सोचते हैं कि शायद जो निर्मित वातावरण है या सड़कें हैं और ट्रांसपोर्टेशन है टेक्नोलॉजी है मोबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये सारे अवसंरचनात्मक रोधों में आ जाएंगे। लेकिन मेरी समझ ये नहीं है, मेरी समझ है कि ये अवसंरचनात्मक बाधाओं में नहीं बल्कि पर्यावरणात्मक यानी ये एनवायरमेंटल जो बैरियर्स हैं उनका हिस्सा है। और यहाँ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो आप नौ कारक देखेंगे आपको लगेगा कि और वो है भी कि कई बार ओवरलैप करते हैं। कई बार देखेंगे कि जो सामाजिक बाधा है वो सांस्कृतिक बाधा भी कही जा सकती है। कई बार मतलब इनका जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो थोड़े प्रबुद्ध विकलांग व्यक्ति हैं उनको ये करना चाहिए कि जो व्याख्या हमको अधिक सही लगे और अधिक लाभकारी विकलांग व्यक्तियों के लिए हो, जो समझ लाभकारी हो और सही हो, उसे अडॉप्ट करना चाहिए, उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं चूँकि ये जो बाधाएं हैं जो फिज़िकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और सारे प्रोफेशनल्स आज तक ये जो फिज़िकल एनवायरनमेंट से जो बिल्ट एनवायरनमेंट है यानी निर्मित वातावरण जो है या सड़कें हैं या ट्रांसपोर्टेशन है या वेबसाइट्स हैं कि एक्सेसिबिलिटी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की असिस्टिव वो है मोबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको पर्यावरणात्मक बाधाओं में ही गिनते आए हैं और मेरे ख्याल में वो सही भी है। तो अब आपका सवाल होगा कि फिर अवसंरचनात्मक बाधाओं में क्या आता है। जी हाँ, उसी को वो मेरी जो समझ और व्याख्या है उसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। विशेषज्ञ लोग पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन अर्थात गरीबी और समाज के हाशिए पर जीने की अवस्था का जब विश्लेषण करते हैं तो वो अवसंरचनात्मक कारणों का विश्लेषण करते हैं और उनकी अवसंरचनात्मक कारकों की व्याख्या है कि जो समाज और सरकार की संस्थाएं हैं उनकी जो संरचना है वो ऐसी है कि वहाँ जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो जैसे मसलन अनुसूचित जाति या जनजाति आदि उनका प्रतिनिधित्व उन समाज के उन संस्थाओं और सरकारों में नहीं है। ऐसी जगह में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है जो निर्णय लेने की के स्तर पर हो, जो डिसीशन मेकिंग बॉडी हो, और इसीलिए उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद की गई है ताकि उनको वहाँ जगह मिल सके। क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं होने पर होता ये है कि जो ऐसे लोगों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो उन वर्गों को मंजूर नहीं होते हैं, उनको नहीं लगता है कि वो सही हैं और वो फिर उनके लिए एक बाधा भी बन जाते हैं। तो यही जो तर्क है, यही जो इसी तर्ज पर हम ये कह सकते हैं और हमें ये कहना भी चाहिए मेरी समझ में कि विकलांग व्यक्तियों के लिए भी या अगर सरकारी शब्द इस्तेमाल करूँ तो दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए भी यही हमको तरीका अपनाना चाहिए। अवसंरचनात्मक बैरियर्स का मतलब ये है कि समाज और सरकार की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनमें हमारे अर्थात विकलांग व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का प्रतिनिधित्व नहीं है लगभग, और जिसकी वजह से विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में कई बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो हमारे लिए एक हमारे हित में नहीं होते, जो रोध बन जाते हैं। अब जैसे अगर आपके
यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन जो की टॉप बॉडी है, जहाँ निर्णय होते हैं, वहाँ अगर कोई विकलांग व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होता, वहाँ अगर मान लीजिए कि एक मस उदाहरण के तौर पर दृष्टिबाधितों के किसी राष्ट्रीय संगठन का या कोई किसी अन्य विकलांगता के राष्ट्रीय संगठन का कोई प्रतिनिधि वहाँ होता, अगर ये जो जितने पब्लिक सर्विस कमीशन्स हैं राज्यों के और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ भी अगर उसका एक मेंबर कम से कम विकलांग होता, एक सदस्य, तो वहाँ फिर ऐसे निर्णय शायद नहीं होते ये जिस जो हमारे लिए मददगार के बजाय एक रोध अथवा बैरियर साबित होते। तो मैं समझता हूँ कि जो मोबिलिटी रिलेटेड या शारीरिक जो पर्यावरण संबंधी बाधाओं में वो सब आने चाहिए, जो निर्मित वातावरण है, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वेबसाइट्स हैं, मोबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो वातावरण यानी पर्यावरणात्मक जो कारक हैं उनमें आने चाहिए, और अवसंरचनात्मक कारणों में ये सब आना चाहिए कि समाज की और सरकार की जो संस्थाएं हैं, क्या हमारा वहाँ हमारे हितों का उचित प्रतिनिधित्व है, वो नहीं है, वो होना चाहिए, क्योंकि वो होने से हमारे लिए बैरियर्स। अब मैं एक छोटा सा ऐसे उदाहरण देता हूँ कि जैसे कई बार बात होती है कि UPSC ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जो विकलांगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ विकलांगों के हितों को आप प्रतिनिधित्व करने वाला कोई है नहीं, इसीलिए इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। कई बार अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्या वहाँ विकलांग व्यक्तियों का कोई प्रतिनिधित्व है? अगर होता तो शायद ये ओपन बुक एग्जामिनेशन वाली बातें आती भी नहीं। तो इस प्रकार से मेरी जो समझ और मेरी जो व्याख्या है, मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि कई लोग जो, क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं, तो कई लोग जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स में मोबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ या नए इश्यूज़ को जानते हैं, वो पूरी तरह गलत है, या इस प्रकार की बात मैं नहीं कह रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि वो व्याख्या मुझे बहुत सही और उपयुक्त नहीं लगती, और विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभकारी भी नहीं लगती। जो कारण है कि हैं वो मैंने अभी आपको बताए हैं। दोस्तों, आपको ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत फौरन उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Speech on. Stop.